गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन योर टेस्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद द लाइम जूस बबल्स आर फॉर्मेड विद द एवोल्यूशन ऑफ द गैस व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट एस ए व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद द लेमन जूस बबल्स आर फॉर्मेड विद द एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस बबल्स आर फॉर्मेड विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस सो फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हेन अ कैंडल बर्न बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस आइडेंटिफाई द चेंजेस गिव द अनदर एग्जाम्पल ऑफ द फेमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। कैंडल बर्निंग शोज बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस फिजिकल चेंज इन मेल्टिंग ऑफ द वैक्स एंड केमिकल चेंज इन बर्निंग केमिकल चेंज इज बर्निंग ऑफ वैक्स विथ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ द फूड इज द एग्जाम्पल ऑफ द बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज फूड पार्टिकल इन द सिंपलर वन इज कॉल्ड फिजिकल चेंज एंड एक्शन ऑफ द HCl एंड एंजाइम्स ऑन द फूड इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज मीन्स डाइजेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज सच एज द बर्निंग ऑफ कैंडल। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ द कर्व इज अ केमिकल चेंज। सेटिंग ऑफ द कर्व इज अ केमिकल चेंज बिकॉज व्हेन मिल्क इज कैप्ड फॉर लॉन्ग टाइम ड्यू टू एक्शन ऑफ द माइक्रोनियम लैक्टोज शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क इज कन्वर्ट इन टू द लैक्टिक एसिड सो इट इज बिकम अ सोर इन टेस्ट सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज मीन्स न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन फ्रॉम द मिल्क ड्यू टू विच मिल्क बिकम सोर इन द टेस्ट इट इज सो दैट सेटिंग ऑफ द कर्व इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज।